जैसे कि आपने देखा कि आज फवाद चौधरी साहब को सेशन कोर्ट ने बुलाया था, तलब किया था, 12:30 बजे का टाइम था, उनको अराउंड 1:30 के पेश किया गया है और जिस तरीके से उनको लाया गया है वो सब आपके सामने है। पहले तो बख्तरबंद गाड़ी भेजी गई, जैसे कि पता नहीं कौन सा टेररिस्ट, कौन सा आतंकवादी हम यहाँ पे सेशन कोर्ट में पेश करने वाले हैं। उसके बाद काला कपड़ा लगाया हुआ था गाड़ी के ऊपर और कपड़ा फिर इन्होंने डाले हैं उनके ऊपर। शेम ऑन शेम, कपड़ा फिर इन्होंने डाला है और जिस तरीके से उनको लाया गया है, हथकड़ियाँ ऐसे लगाई हुई थी उनके हाथ में और लिटरली वो हाथ मूव भी नहीं कर पा रहे थे। मुझे नहीं पता ये हथकड़ियाँ 3 घंटे से लगी हुई हैं या पूरी रात भी लगाई रखी हैं, क्योंकि हमें किसी किस्म का अपडेट नहीं किया गया है। अभी जज साहब ने ऑर्डर किया कि फैमिली से, हमारे वकील साहब ने कहा कि जी फैमिली से मुलाकात करें, उन्होंने कहा कि जी बख्शी खाने में उनको ले जाया जाए, लेकिन अब तक वो बख्शी खाने नहीं पहुँचे हैं। अगेन देर इज अ कंटेम्प्ट कि फैमिली को नहीं मिलने दिया और पता नहीं उनको कहाँ ले गए हैं। जब फवाद साहब को पता चला, उन्होंने मेरे से पूछा, उनकी 2 बेटियां निशा और मेरा जिनकी उम्र 5.5 साल और 4.5 साल है, वो कैसी हैं, तो लिटरली वो कोर्ट कमरे अदालत में रो पड़े, क्योंकि इतना जुल्म है कि वो 2 बच्चियां 5 दिन से बाप का इंतजार कर रही हैं, उनको यहाँ मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, उनको अडियाला मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। और अभी भी जब कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि आप बख्शीखाना में जाएं और आप मुलाकात करें और नहीं मुलाकात करने दे रहे। हम कोई गुलाम नहीं है इस स्टेट के कि ये जो कहें हम कर लें। हम एक रियासत है इंडिपेंडेंट, जहां पे हर एक सिटीजन का, आपका मेरा हर किसी का राइट है कानून के दायरे में रह के कि उसको फॉलो किया जाए। मुझे नहीं पता ये इदारा ECB ऑनरेबल जो है हमारे हाई कमीशन, क्योंकि अगर मैंने कुछ गलत इस्तेमाल किया अल्फाज तो मेरे पे भी कॉन्टेम्प्ट लग जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आप रहम करें, फैमिली है उनकी, हम मेरे जज्बात हैं। इस वक्त मुझे जितने धक्के दिए गए हैं और जितना मैं अपनी जान बचा के आई हूँ वो मुझे पता है, लेकिन जो रवैया इख्तियार करी है ये इस्लामाबाद पुलिस और या पंजाब पुलिस, ये बिल्कुल इसकी मैं मुजम्मत करती हूँ। और मेरी मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर केयर टेकर से दरख्वास्त है कि आपको, हमने आपको इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन के तहत आपको CM केयर टेकर बनाया है पंजाब का, मेरी मोहसिन नकवी साहब से दरखास्त है कि मेरे बच्चों को, मेरी दोनों बेटियों को उनके वालिद से मिलने की इजाजत दी जाए, जो कि नहीं दी जा रही है। वो लिटरली वो बाप आज रोज अदालत के और मैं भी कि बच्चियां नहीं मिल पा रही हैं। आप मुझे बताइए किस कानून में लिखा है कि एक मुलजिम या आप उसको मिल नहीं सकते। देर इज अ टाइम, मैंने अडियाला जेल फोन किया कि जी मुझे मिलने का प्रोसीजर बताइए कि किस तरीके से उनको मुलाकात हो सकती है, तो उन्होंने कहा हम आपको गवर्नमेंट से पूछ के बताएंगे कि कौन सा डेट हम आपको देंगे। अल्लाह की शान है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं और हम इनके गुलाम नहीं है, ये जो कहेंगे हम कर लेंगे। मेरी मैं मुजम्मत करती हूँ कि बच्चियों को और मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा फवाद साहब से, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और पाकिस्तान सुप्रीम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, मेरी प्लीज इल्तिजा सुने और अगर आप कहते हैं तो आई कैन फाइल अ पिटिशन कि जी हमें मुलाकात का स्पेशल टाइम दिया जाए। थैंक यू सो मच एंड रिलीज फवाद चौधरी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। जिस तरह अभी हम सब ने देखा है कि दोबारा रिमांड की दरखास्त दी गई है कि दोबारा हवाले किया जाए फवाद चौधरी को, कि आप जो है वो वीडियो और उसका जो है फॉरेंसिक कर सकें, जबकि फवाद चौधरी सामने खड़े होकर कह रहा है कि मैंने बोला है, वो खुद इकरार कर रहा है और उसके बावजूद प्ली ली जा रही है सरकार की तरफ से कि इनको दोबारा वीडियो और ऑडियो चेक के लिए फवाद चौधरी को हवाले किया जाए। ये कौन सा कानून है? मैं समझता हूं कि जिस तरह आज बाबर अवान साहब ने भी अपने दलाइल दिए हैं सेशन कोर्ट में, सेशन जज सब के सामने, और उन्होंने खुद कहा कि फैमिली से मिलाया जाए, उसके बावजूद जब अदालत के कमरे से निकाला जाता है तो पुलिस उनके ऊपर कपड़ा डाल रही है। किस चीज के लिए कपड़ा डाल रही है? आपने वो सारे सीन देखे होंगे। तो मैं समझता हूं कि
इस तरह का रवैया, दबाव का, डराव का, ये नहीं चलेगा। उन्होंने किया क्या है, वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हाँ मैंने बोला है, और किस रेफरेंस के साथ बोला है वो भी बता रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के बड़े ओहदों पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको कम से कम बर्दाश्त होनी चाहिए कि पाकिस्तान के शहरी जो राय रखते हैं उसका इजहार कर सकें। ये तो आप लोगों पर जो है उनकी जबानें बंद करना चाहते हो। अगर आप ताकत में हो तो क्या आप पे कोई तनकीद नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर तनकीद हुई, सबके सामने उनसे पूछा गया कि कहां से आया ये, आपके पास आपका तो कद लंबा है, ये कपड़े कहां से आए? तो जब पूछ सकते हैं आप, किसी पे सवाल उठा सकते हैं, तो यहां पर एक इस तरह का प्रोपगंडा करके एक जबरदस्ती छापा मार के घर पे, और आप जो है वो आज एक टेररिस्ट को भी इस तरह नहीं पेश किया जाता जिस तरह आज वापस लेकर गया, ले जाया गया है। जब उन्हें कहा गया है कि जज साहब ने खुद कहा कि हां फैमिली से मिलने दो, और उसके बावजूद ये तरीका, मैं समझता हूं अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकता। फवाद चौधरी बहादुरी और जुर्रत का निशान बन चुके हैं। आप जितना जुल्म करोगे मैं समझता हूं कि अवाम और हौसले के साथ सामने आएगी। आपने इमरान खान का हौसला, 22 करोड़ लोगों का हौसला है आज, और फवाद चौधरी का हौसला, इससे पहले भी आपने बहुत कुछ किया। मैं समझता हूं कि अब इस चीज को खत्म करना चाहिए। अवाम को आप नहीं दबा सकते, इजहारे राय पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते, और अगर आपके अंदर बर्दाश्त ही नहीं है, आप इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हो और आप जो है वो किसी की बात नहीं सुन सकते, तो मैं समझता हूं कि ये सरासर सबसे पहले तो ये केस ही जो बनाया गया, ये केस बनता ही नहीं था। और आज जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरह उनको ले जाया गया, शर्मनाक तरीका था। पुलिस उन पे चादरें फेंक रही है कि वो किसी तरह नजर नहीं आ सके। मैं शदीद मुज़म्मत करता हूँ, शदीद इसकी मुज़म्मत करता हूँ। यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि जब मरियम नवाज साहिबा को यहाँ पे पेश किया जा रहा था तो पुलिस तो उनके पांव छू रही थी, आप सबने देखा जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया जा रहा था, जैसे वो किसी जुर्म में नहीं, उनको वो कोई यहाँ पे कोई बहुत कोई ऑनरेबल उसमें इस्तकबाल था उनका जो आ रही थी। आज भी वो आ रही हैं, सारी पुलिस वहाँ पे बिजी होगी बहुत ज्यादा, लेकिन जो मर्जी कर लें आप, फवाद चौधरी को मैं छुड़वा के रहूंगी। फवाद चौधरी आएगा बाहर, आएगा बाहर, क्योंकि हम कोई गुलाम नहीं है, ये जो कहें हम इनकी बात माने और ये हम पे मुसल्लत करते जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।